How are you, Ken? So my name is Naitik. We are studying chapter number 2, linear equation in one variable, exercise 2.1, question number 1. And the main and the important thing, please do subscribe and like. If you like this video and if you understand by my videos, agar aapko mere videos ke through samajh mein aa raha hai, toh subscribe karna nahi bhoolna hai. Chalo. So in question 1, we have solved the following equation. हमें यहाँ पर जो equation दिया उसे follow, sorry उसे solve करना है. तो चलो सबसे पहला हमारा है x minus 2 is equal to 7. We have already done such kind of example in our introductional video. तो हमें क्या करना है, हमें x की value चाहिए, तो जो 2 है या फिर जो भी constant है, हमें उसे धीरे-धीरे equal to के उस side लेके जाएंगे. यहाँ पर क्या operation है, subtraction, ये minus है, is equal to के उस side जाएगा तो plus हो जाएगा. तो चलो देखते हैं, x is equal to 7 तो वहाँ पर पहले था, तो 7 as it is 7 minus 2 था उससे जाएगा तो plus 2. x is equal to 7 plus 2 9, तो x is equal to 9, this is our answer. The second one, y plus 3 is equal to 10. same way में क्या करना है, जो हमारा variable है या फिर हमारा जो algebra है, a b c x y z कुछ भी हो, उसे इस side रखना है और constant term को उस side. y is equal to 10, तो वहां पर पहले से था, यहां पर plus 3 है, उस साइड जाएगा तो yes, क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो sign change, यानी कि minus 3. तो 10 minus 3, y is equal to 10 minus 3 क्या होगा, 7. तो this is our answer. चलो, यहां पर आपको थोड़ा सा confusion होगा कि सर यहां पर तो z उस साइड, और ये z है और ये 2 है, z उस साइड है, तो भी हमें कोई tension नहीं लेना है, सिर्फ हमें हमारा वेरिएबल एक साइड रखना है और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेके जाना है. चलो कैसे करेंगे, z को यहीं पर रहने देंगे, हमारा जो प्लस 2 है इसको इस साइड ले जाएंगे, 6 तो पहले से यहां पर है, तो 6 प्लस 2 इस साइड आएगा तो माइनस 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू z, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू z, 4 इज इक्वल टू z या z इज इक्वल टू 4, दोनों एक ही हुआ, पर लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे कि z is equal to 4, ये दोनों एक ही है पर हम आंसर को इस तरह से लिखेंगे कि z is equal to 4. अब जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के ऊपर. हेलो फ्रेंड, दिस इज आवर फोर्थ एग्जांपल. इन फोर्थ एग्जांपल वी हैव 3/7 + 6 is equal to 17/7. इन ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ x. तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसपोर्ट द 3/7 to the another side, is equal to के दूसरी side उसे transport कर देंगे, तो यहाँ बच जाएगा x is equal to 17/7, तो वहाँ पर पहले से था, 3/7 यहाँ पर plus में है, उससे चला जाएगा तो minus. चलो 7/7 तो common है, LCM लेने की जरूरत नहीं है, तो 17 minus 3 यानी कि 14/7. तो x is equal to 7 की table में 14 आता है, yes 7 2s, तो x is equal to 2 is our answer. In a question number 5, we have 6x is equal to 10, 12. 6x ka meaning kya hai? 6 into x hai, 6 multiplied by x. In multiplication mein, agar usse jayega to division mein. X is equal to 12 by 6. 6 ka table bolte 12 aata hai, yes, 6 2s are 12. So, x is equal to 2 is the answer. Chalo, 6th wale mein dekhte, t by 5 is equal to 10. यहां 5 डिवीजन में है, अगर उससे चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 10 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. t is equal to 50, तो दिस इज आवर आंसर. यहां पर मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में है, यहां पर डिवीजन में था तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला गया. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर. हेलो स्टूडेंट, दिस इज द 7th एग्जांपल इन व्हिच we have 2x by 3 is equal to 18. So first of all, we will transport the 3 to is equal to another side. Is equal to के दूसरी side हम 3 को लेके जाएंगे. तो चलो करते हैं. 2x is equal to 18 multiplied by 3. इन दोनों को multiply कर दे. 2x is equal to 18 3s are 50. 4, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो डिवीजन में. x is equal to 54 by 2, तो x is equal to
27. तो ये 7th का हो गया सॉल्यूशन. अब 8th में जाते हैं. यहां पर पॉइंट में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो पॉइंट में, पर हमें कुछ टेंशन ले लेना, हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे. चलो क्या करेंगे, यहां 1.5 डिवीजन में हमें आंसर चाहिए y का, तो 1.5 को हम ले जाएंगे इस डिवीजन में, तो वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. 1.6 × 1.5 = y. अब 15 × 16 कर देना और पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है. तो 15 का स्क्वायर 15 से क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 यानी कि 240 इज इक्वल टू y. पर ये 240 नहीं है, पॉइंट थे. कितने पॉइंट के बाद यहां पर एक और यहां पर एक, यानी कि मैं दो पॉइंट के आगे, दो डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है, तो वो हो जाएगा 2.4. तो y का आंसर क्या आया, 2.4. अब 9th में जाते हैं, 7x − 9 = 16. तो 9 को हम उस साइड ले जाएंगे. चलो 7x = 16 − 9 था, हो जाएगा प्लस 9. 7x = 16 + 9 = 25. अब x = 25/7. तो ये हमारा हो गया आंसर. इसके आगे फर्दर ये कट नहीं हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है. तो चलो लिख ही देते, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28. तो बड़ा हो जा रहा है, 25 या 25 से छोटा. तो 7 × 3 = 21, 2, 3, 4 and 5. यानी कि मैं 4 प्लस करना है, 7 × 3 = 21, 21 + 4 = 25. तो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर. दिस इज द 10th एग्जांपल इन विच 14y − 8 = 13. हमें आंसर किसका चाहिए, y का. तो जो सारे नंबर्स होंगे उसे हम इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे. तो चलो पहले इस टर्म को ऐसे ही रखते, 8 को उस साइड ट्रांसपोर्ट कर देते. 14y = 13, तो वहां से पहले से ही है 13, माइनस 8 था उस साइड जाएगा तो प्लस 8. 14y = 13 + 8, यस 21. अब 14y इसका मतलब है 14 × y, तो 14 जाएगा डिवीजन में, तो y = 21/14. अब इसे हमें कट करना होगा, किसे कट होगा, ये होगा 7 × 3, ये होगा 7 × 2, 7 × 7 कैंसिल आउट, बचा क्या, y = 3/2. तो दिस इज अवर आंसर. चलो सेकंड में जाते, इसमें भी ऐसा ही है, 17 को उससे ट्रांसपोर्ट कर देते. चलो 6p = 9, प्लस 17 है उस साइड जाएगा तो माइनस 17. 9 − 17 तो क्या आएगा आंसर, यस 8, पर कैसा, माइनस 8. अब ये 6 मल्टीप्लिकेशन है, इस इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में, p = −8/6. ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 4 × 2 = 2, 2 कैंसिल, तो बचा क्या, p = −4/3. तो ये हो गया हमारा आंसर. चलो 12th में देखते हैं, इसमें भी यहां पर x वाली टर्म ये है, ये इस टर्म को हम उस साइड ले जाएंगे. चलो x/3 = 7/15 + 1 था उस साइड जाएगा तो -1. अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. यहां इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 15, तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो x/3 = 15 × 1 = 15, नीचे 15 है, तो एलसीएम आ गया हमारा 7 − 15/15. x/3 = 7 − 15 क्या होगा, 15 में से मैं 7 को माइनस करना है तो आएगा 8, पर कैसा, −8/15, क्योंकि ये बड़ा है, बड़े की साइन माइनस है. अब ये 3 डिवीजन में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, x = −8/15 × 3. अब मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो 3 × 5 = 15. तो अल्टीमेट आंसर क्या आया, x = −8/5. This is our answer and this is the solution of question number 1. Now we will go on our next example.